क्या कह रही मोदी? तो फिर दिया जलाओ, राशन छोड़ जाओ। पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। लॉकडाउन के चलते लोगों को राशन की दिक्कत ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी तरफ से कोशिशों में लगी हुई हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लेकर लाखों सवाल खड़े किए जा चुके हैं। और इस वीडियो को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेसी राशन बांटने के नाम पर पीएम मोदी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तुलना कर लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। इस वीडियो को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी शेयर किया और कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने अपने अकाउंट से एक वीडियो अपलोड करते हुए कांग्रेस पर गरीबों के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि राशन देने के नाम पर लोगों से पूछा जा रहा है कि मोदी अच्छा है या गहलोत। अगर कोई मोदी का नाम लेता है तो उससे कहा जा रहा है कि जाओ फिर दिए जलाओ। दिए जलाने वाला अच्छा है? माता जी, आप तो मोदी को अच्छा कह रही हो। बताओ कौन अच्छा है? आप तो कह रहे हो, आपको हाँ कौन अच्छा है? क्या कह रही मोदी? इस वीडियो को लेकर संबित पात्रा ने कांग्रेस आला कमान पर निशाना साधते हुए लिखा है कि सोनिया जी, ये क्वेश्चन पेपर आपने सेट किया है। कांग्रेस शासित राज्यों के लिए राशन देते समय पूछा जाता है कि बोलो मोदी अच्छा है या अशोक गहलोत, और अगर बूढ़ी माँ मोदी का नाम लेती है तो उससे राशन वापस लिया जाता है। आपके विधायकों को शर्म आनी चाहिए इस अमानवीय व्यवहार के लिए। संबित पात्रा की ट्वीट पर लोगों ने भी तरह तरह के रिप्लाई किए। रामलाल है जो लिखते हैं, राशन पर भी राजनीति, ये कैसा चरित्र है। अगला ट्वीट देखिए, दिवेश सिंह है जो लिखते हैं, कांग्रेसी अपनी जात और औकात दिखा ही देते हैं, मौका चाहे कोई भी हो। टिंकू ने लिखा है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो बिना भेदभाव के गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि राशन की लालच में मध्यम वर्गीय गरीबों को जबरदस्ती गहलोत को अच्छा कहलवाने वाले कांग्रेसी क्या खाक जनता का भला करेंगे। हम तो भगवान का लाख लाख शुक्र गुजार हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में देश में कांग्रेस सरकार नहीं है, वरना देश का बंटाधार हो जाता। इसके साथ ही संबित पात्रा ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि प्रिय राहुल गांधी जी, 2 दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि कोविड महामारी से निपटने के लिए क्या रणनीति है। क्या ये आपके मुख्यमंत्रियों को निर्देश है कि उन लोगों को ही राशन वितरित कीजिएगा जो मोदी से नफरत करते हैं? राहुल गांधी, कोविड महामारी से निपटने का तरीका शर्मनाक है। फिलहाल इस वीडियो में कांग्रेस की तरफ से भले ही लोगों को राशन देते वक्त पीएम मोदी और गहलोत में कौन अच्छा है पूछा जा रहा हो, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी भी इस महामारी में राजनीति करने से पीछे नहीं रहे थे। उन्होंने केंद्र से ये तक सवाल कर दिया था कि गोदाम भरे पड़े हैं लेकिन गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं है, गरीबों को अनाज दीजिए, किसानों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऐसे में आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।